खबर है यूपी के गोंडा जनपद से, जहां किशोरी बालिकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। जी हां, खबर यूपी के गोंडा जनपद के इटिया थोक क्षेत्र की, जहां 3 दिनों से चला आ रहा किशोरी बालिका प्रशिक्षण आज हुआ संपन्न। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 60 बालिकाओं को ब्लॉक सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। सभी प्रकार की जांच भी की गई। वहीं प्रमाण पत्र के साथ साथ यात्रा भत्ता भी दिया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व आंगनबाड़ी विभाग ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर देव प्रभाकर पांडे, जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश शुक्ला, डॉक्टर अकबर अली, एलटी विनय गुप्ता, सीडीपीओ धर्मेंद्र गौतम, अशोक त्रिपाठी, सुपरवाइजर शांति देवी, कार्यकर्त्री पूनम शुक्ला, सुशीला देवी सहित किशोरी बालिकाएं उपस्थित रहीं। देखिए इटिया थोक से पवन कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सीमा जी बताइए, क्या नाम आपका है, क्या पद है, कौन सा कार्यक्रम अभी यहाँ संचालित हो रहा है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गौतम, मैं यहाँ बाल विकास योजना अधिकारी के पद पर हूँ। अभी हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण चल रहा था 3 दिवसीय कि 11 से 14 साल की किशोरियों को स्कूल ना जाने वाले। हम लोग इसमें डॉक्टर साहब के यहाँ से, पंचायती राज व्यवस्था के यहाँ से और RCDS और शिक्षा विभाग से मिल करके इनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें इनके व्यक्तिगत साफ सफाई और वातावरण एवं आसपास की स्वच्छता महत्व, डायरिया प्रबंधन, स्वच्छ जल प्रबंधन, माहवारी प्रबंधन, होमोग्लोबिन की जांच कराई गई इनकी, बीपी जांच कराई गई और इसमें इनकी एनीमिया कैसे रोकथाम कराई जाएगी और आईफेट टैबलेट, इनको नीले रंग की गोलियां भी दी खाने के लिए सलाह दी गई है और इनको क्षेत्रीय मुख्य सेवा NM द्वारा